आर्टिकल 16 में अगर बहुत सामान्य तरीके से सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो लोक नियोजन के विषय में अगर अवसर की समानता की बात करते हैं तो वो कहाँ पर आपको दिया गया है, 16। अरे सीधा सीधा समझिए कि सरकारी नौकरियों में जाने का सबको समान रूप से अवसर मिलता है। अगर आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है, अगर वो आपके पास है तो आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में जाने की क्षमता रखते हैं। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 16 में क्या कहा गया कि भारत जो है, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने का अवसर जो है वो समान रूप से दिया जाएगा, इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। 16 का जो सेकंड क्लॉज है यहां पर आपको दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को, ध्यान रखिएगा किसी भी नागरिक को, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास या इनमें से किसी स्थान के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति और नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार रखता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आपको मिलता है आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज। आर्टिकल 16 के फोर्थ क्लॉज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ओबीसी आरक्षण की आप बात करते हैं, ओबीसी आरक्षण जो है ये आपको कहां पर मिलता है, तो ओबीसी आरक्षण जो 27% दिया गया है एजुकेशन में, तो वो आपको कहां पर मिलता है, 16 का फोर्थ क्लॉज है। और यहां पर मंडल कमीशन आया था, किसके आधार पर हुआ है, तो मंडल कमीशन आया था। ये कब आया था, तो ये आया था 1979 में आया था मंडल कमीशन, मंडल कमीशन आया 1979 में। इसके अलावा आप देखते हैं तो एक कमीशन और आया है, वो कमीशन आपको पहला वाला कब मिल जाएगा, तो 1953 में, 1953 में, ये काका कालेलकर थे, इनकी अध्यक्षता में बना था। और इसके बाद में आप देखेंगे तो जो तीसरा आप देखते हैं तो रामनंदन प्रसाद, ध्यान में रखिएगा रामनंदन प्रसाद के की अध्यक्षता में बना था। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 1992 में इसको बनाया गया था। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इससे फायदा आपको क्या होगा, फायदा आपको ये होगा कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित कौन कौन से कमीशन हैं, तो एक है आपका मंडल कमीशन, दूसरा है काका कालेलकर समिति, और यही वाला क्या था, प्रथम था। और इसके बाद रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में 1992 में बना था। और एक यहां से आर्टिकल भी है ओबीसी, ओबीसी से संबंधित आयोग का, वो होता है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति जो है वो ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है, ओबीसी कमीशन का। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है आर्टिकल 16 के फोर्थ क्लॉज के विषय में।